अब मैं आई थी किचन में, मैंने कहा अपना हनान के आने का टाइम हो गया है, तो हनान जाता है ना 2-3 घंटे का ही उसका अकेडमी का टाइम होता है, तो मैंने उसके आने तक कोशिश यही करती हूँ कि खाना पका के मैं फारिग हो जाऊँ। और आज ना मैं काफ़ी दिनों से आपको कह रही थी मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कढ़ी खाने के लिए, तो आज मैंने कहा फाइनली ये बना ही लेते हैं। तो दही मेरे पास ना इतने दिनों का खट्टा पड़ा हुआ था और अब तो वो अच्छी तरह से ही खट्टा हो गया है। मैंने कहा चलो जी सोनिया आज कढ़ी बनाते हैं, और कुछ नहीं बनाना, इसको ही मैं बनाऊंगी आज। और वैसे तो मौसम अच्छा हो ना, बादलों वाला, बारिश हो रही हो, तो कितना मज़ा आए ना, कढ़ी खाने का भी बड़ा मज़ा आए। लेकिन चलो अब मैंने कहा दही तो है घर में खट्टा, तो इसको आज ना इस्तेमाल करके फारिग करते हैं। तो मैंने ना बेसन का घोल बना के रख लिया था, दही में ना मैंने डाला था बेसन 1 कप, तो ये ना तकरीबन कितनी 1/2 किलो के करीब होगी दही, तो वो मैंने डाल के, तो साथ में ना मैंने पानी डाल दिया है, उसका घोल बना के रख लिया था। और ना यहाँ पे मैं प्याज चॉप करने लगी थी, अभी ना मेरी हेल्पर इस वक्त तक काम कर रही है, तो वो आती भी लेट है, मैंने उनको लेट का ही टाइम दिया हुआ है। मैं यही कहती हूँ कि आराम से ना फिर स्कूल से वो फिर काम करती रहे, वरना ना गर्मी में फिर मेरे से भी पीछे पीछे इनके भागा नहीं जाता। तो मैं ना उनको यही कहती हूँ कि आप ना 1-2 बजे के करीब आया करें, तो फिर वो उसी टाइम पर ही आती हैं, तो आराम आराम से फिर काम करते करते ना 6 बजे के करीब वो घर वापस जाती है। तो अब ना यहाँ पे मैं करने लगी थी प्याज चॉप, और ना मैं देख रही थी मुर्तज़ा को, तो ना ये 2-3 दिनों की ना इसने साइकिल निकाली हुई है, अब ना बच्चों को भी समझ नहीं आती। शुरू शुरू में तो उन्होंने काफ़ी मज़ा किया कि हमें छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन अब ना घर में रह रहे भी ना बोर हो गए हैं, तो ना मुर्तज़ा ने ये निकाली थी साइकिल, और इसकी ना चेन ख़राब है, तो मुझे वो यही कह रहा था मुझे साइकिल ठीक करवा के दे। मैंने कहा अच्छा जाती हूँ ना मार्केट, तो आपकी साइकिल साथ ले जाऊँगी गाड़ी में रख के, तो वो ना इसी तरह से ही चलाई फिर रहा है। तो चलिए जी मैंने जल्दी जल्दी से प्याज कर लिया है चॉप, और अब ना कढ़ी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा ही लिया था, मैंने कहा ऊपर से तड़का भी लगाएंगे, तो अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, और एक ना तेज़पत्ता डाल दिया है, और कड़ी पत्ता होना तो उसका भी बड़ा मज़े का फ्लेवर इसमें निकलता है। तो मेरे पास ना अच्छा वाला कड़ी पत्ते का ना प्लांट था, तो जब मैंने माली से अपने सारे प्लांट्स ठीक करवाए थे ना काफ़ी मंथ्स पहले, तो उसने ना मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट ही तोड़ के वो पता नहीं फेंक गया, तो अब ना मेरे पास है ही नहीं। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा जब भी जाऊँगी ना नर्सरी तो कड़ी पत्ते का एक प्लांट लास्ट लेके आऊँगी। और अब मैंने इसमें डाला है चॉप किया हुआ प्याज, तो प्याज ना बिल्कुल मैंने छोटे साइज़ का ही लिया था, आपको पता चल ही रहा होगा कि बिल्कुल ना स्मॉल साइज़ का प्याज था, तो वो मैंने डाला है, इसको थोड़ा सा लाल किया है। और इसमें डाली है जी लहसुन अदरक की पेस्ट, और इसको भी फ्राई कर लेंगे, तो लहसुन अदरक की पेस्ट भी ना दोबारा से मैंने बनानी है, फिर आगे ईद भी आ रही है ना, तो मैं यही कह रही थी कि बना के ना रख लूँगी, इसका ना फायदा ही होता है, आराम से निकलती है फ्रिज से। और मैं ना फ्रिज में ही रखती हूँ, क्यूब्स बना के भी रख लेती हूँ, लेकिन ना मुझे इसी तरह से ही ठीक लगता है, तो मैं कोई भी पेस्ट फिर ना फ्रिज से निकलती है। मैं पेस्ट बना के ना ज़्यादातर तो ऐसे ही एयर टाइट करके तो फ्रिज में रख देती हूँ। और अब उसमें डाला था मैंने पानी, और साथ में डाल दूँगी बेसिक मसाले, नमक पिसी हुई लाल मिर्च, और इसमें ना हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, तो इसकी वजह से ना फिर हल्दी की वजह से तो कड़ी का कलर ना बड़ा प्यारा सा निकलता है। साथ में डाला है जी सूखा धनिया, तो बस ना ये ज़रा मसाला गल जाए, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए जी जहाँ पे गल गया था मसाला, थोड़ी सी इसकी मैं करती हूँ भुनाई, और भुनाई जितनी अच्छी होगी ना उतनी मज़े की कड़ी बनेगी। और अब ना मैंने इसमें जो बेसन का घोल बना के रखा था ना, तो मैंने ना उसको ना एक दफ़ा से ब्लेंडर में चला लिया है, वरना ना फिर ना हाथों से जितना मर्जी उसको मिक्स करते रहे ना थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ रह ही जाती हैं, तो लम्स बन जाते हैं। मैंने कहा इसको ना अच्छी तरह से ना एक दफ़ा ब्लेंडर में चला लेती हूँ। और ना जो मेरा ब्लेंडर वाला जग था ना, जो बड़ा जग होता है, उसमें ना लस्सी पड़ी हुई थी बनी हुई, तो सुबह की पड़ी हुई थी, तो अब मैं अपनी हेल्पर से कह रही थी कि अब हम लोगों ने तो पी ली थी, तो मैंने ना फिर अपनी हेल्पर के लिए ही रखी थी। मैंने कहा वो भी गर्मी में आती हैं बेचारी, इतनी गर्मी में बाहर से आके उनका भी बुरा हशर होता है, जिस टाइम पर वो आती है ना बुरा हाल ही होता है उनका, तो मैंने उनके लिए भी ना एक ग्लास रख दिया था, मैंने कहा आप पी लेना। तो अभी ना वो ब्लेंडर ना वैसे ही, वो ब्लेंडर का जग जो था वो वैसे ही पड़ा हुआ था, तो इसलिए ना ये छोटे जग में ना मैंने सारा बेसन का घोल ब्लेंड करके तो डाल दिया है, और एक जग भर के मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। तो अच्छी तरह से ना अभी मैं इसको मिक्स करती रहूँगी जितनी देर तक इसको पहला बॉयल नहीं आता। ये देखिए मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से ही बनाई है, और मेरी हेल्पर की बेटी ना मुझे कितने दिनों से कह रही थी कि बाजी मैं अपना जाने वाली हो गई हूँ, तो वो आई भी थी अम्मी के घर ना रहने के लिए, अपनी अम्मी के घर, तो उसकी बहन की शादी थी, तो अब वो ना वापस अपने घर उसने जाना है, तो मुझे कह रही थी आगे हाथ होंगी मैंने कड़ी खा के जाना है, तो मैं ना इसलिए भी आज ना टाइम टाइम पर रख दी, मैंने कहा चलो जाते हुए ना वो भी ले जाएगी, तो बस इसको ना अभी पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो बस मैंने ना पहला बॉयल इसको दिलवा दिया है, और अब इसके बाद मैंने फ्लेम को कर दिया था लो, ज़्यादा भी लो नहीं किया आज, मैंने कहा ये ना हनान आके पास मेरे बैठ जाए, मेरे साथ पे बैठ जाए और कड़ी मेरी वहीं पे ही पकती हो, तो इसलिए ना बस इसका ना फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई ही रखा हुआ था। और ना अब जल्दी से बना लेते हैं जी पकौड़े, तो इसके लिए ना मैंने ये कटर निकाला है, मैंने कहा जल्दी से इसमें ना प्याज को कर लेती हूँ कट, और ना साथ में आलू कर लूँगी, तो मेरे पास ना पालक भी पड़ी हुई है रमज़ान की ही, तो रमज़ान से पहले जब मैंने प्रेपरेशन की थी, रमज़ान की कितना अच्छा हो गया है ना, तो पालक में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हुई, हम पकौड़े वगैरह इतने ज़्यादा खाते नहीं हैं, रमज़ान में भी हम लोगों ने कोई नहीं थे इतने ज़्यादा पकौड़े खाए, तो जो मैंने 2 पैकेट बना के रखे थे ना एक ही बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ था, और ये देखिए 1 पैकेट अभी भी पड़ा हुआ था, तो मैंने ना निकाला है, मैंने कहा चलो आज पकौड़े बनाते हैं।
और ना अब मैं यही सोच रही थी जिस दिन बारिश वाला मौसम होगा ना तो उस दिन हांडी हुंडी कोई नहीं, मैंने कहीं मैं पकौड़े ही बनाऊंगी, पालक को खत्म करूंगी। तो अभी भी देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन है, इसका कलर ज़रा नहीं खराब हुआ। तो वो भी मैं देख रही थी, मैंने कहा इस तरह काट के रखी वो चीज़ तो फायदा भी हो गया, टाइम पर निकल भी आई है, घर से मुझे मार्केट भी नहीं जाना पड़ा और बिल्कुल उसका कलर भी वैसे का वैसे है। हालांकि कितने इसको दो मंथ से ऊपर हो गए हैं तो अभी भी वैसे का वैसे ही है इसका रंग। और अब इसमें मैंने डाले हैं जी मसाले सारे, तो क्रिस्पी क्रिस्पी ना पकौड़े अच्छे लगते हैं मुझे, करारे करारे जिसमें ज़रा मिर्च मसाला तेज तिखे तिखे। तो इसमें मैंने नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, गर्म मसाला और ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया डाला है हाथों में मसल के। और ना इसमें मैं चुटकी सी अजवाइन भी डालूंगी, उसका भी ना बड़ा मज़े का बनता है फ्लेवर इसमें पकौड़ों में ना। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल दिया है, तो इसकी वजह से ना ज़्यादा पकौड़े ना हमारे फूले फूले बनेंगे। तो अगर वैसे खाने हो ना रूखे पकौड़े तो वो तो फिर क्रिस्पी क्रिस्पी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर कड़ी के लिए हमें चाहिए तो वो तो फिर ज़रा फूले फूले होंगे ना, तो वो वैसे अच्छे लगेंगे। तो इसलिए ना मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला, मैंने कहा नरम नरम बन जाएंगे पकौड़े। और बेसन में डाल के ना तो अब इसको इसी तरह से ही मिक्स करके रख दूँगी। अभी मैंने पानी नहीं डाला, मैंने कहा चलो ये ना जो भी इसमें सब्जियाँ मैंने जितनी भी डाली है ना तो वो पानी छोड़ेंगी क्योंकि उनको मसाला लगा है। मैंने ना जल्दी से तलना शुरू कर दिए थे तो मुझे यही लग रहा टाइम मैं पूछ रही थी, तो मुर्दा ने मुझे बताया कि 5 बज गए हैं। तो हनान ना बस 5:15 5:30 बजे के करीब घर वापस आ जाता है। और ना मैंने कहा चलो ना पकौड़े तल के तो कड़ी में डाल के इसको तो फाइनल करूँगी, ये इसको लेके मैं बैठी हुई हूँ। तो पकौड़े देखिए कितने अच्छे ना, इतने दिनों के बाद पकौड़े बनाए हैं ना, रमज़ान में बनाते थे कभी कभी बनाते थे लेकिन मज़ा आता है रमज़ान में पकौड़े बनाने का। तो आज भी ना बड़ा अच्छा लगा पकौड़े ना देख के ना, बड़ा वैसे ना बड़ा दिल चाहता है पकौड़े ना बनाए खाएं, लेकिन गर्मी के हाथों की खाए भी नहीं जाते। तो मैंने ना एक निकाल लिया था, एक दफ़ा मैं जो डाले थे मैंने तो वो निकाल लिए हैं और बाकी मैंने ना डाले हैं अभी। और ना यहाँ पे ना बेल हुई थी तो मैं ना मुर्दा को आवाज़ दे रही थी, मैंने कहा जाओ नीचे हनान आ गया है, खोलो से दरवाज़ा, क्योंकि ना गर्मी में आता है ना तो इस वक्त उसका इतना बुरा हश्र होता है ना, पसीने के साथ बिल्कुल भीगा पड़ा होता है वो, ना ये जाता है गर्मी में। मुझे मेरे दिल को बड़ा दुख होता है कि इतनी गर्मी में साथ गर्मी में जाता है ये, लेकिन फिर पढ़ाइयों का भी होता है कि पढ़ाई भी तो साथ साथ करनी है ना, तो इतना कंपटीशन है पढ़ाई में कि जब तक बच्चे ठीक तरह से पढ़े ना अच्छी तरह से पढ़े ना तो तब तक फिर ना आजकल इतना कंपटीशन हो गया, बच्चे पूरे पूरे नंबर लेते हैं। तो बस ना फिर ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, 2 साल हैं तो शदीद मेहनत के, और अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करें, आमीन। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने डाल दिए थे पकौड़े कड़ी में, और ना अब इसके ऊपर तड़का लगाना था तो मैंने कहा बोल रहा था से क्या मैं फ्राई पैन भरूँ, तो मैंने ये डोंगा लिया था दूध वाला और इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें कढ़ाई वैसे ही निकाल लिया है ऑयल, और उसी में थोड़ा सा जीरा डाला, और इसमें ना मोटी जो लाल मिर्ची होती है ना साबुत वाली तो उसका तड़का मैं लगाती हूँ, लेकिन आज नहीं थी तो मैंने कहा चलो छोड़ो आज, अब ना दिल नहीं चाह रहा था मेरा कि मैं जाके बाहर से लेके आऊँ, तो मैंने ना फिर वो जो कुटी हुई लाल मिर्चें थी ना उसी को डाल के तो तड़का लगा दिया। तो इतने मज़े की आज कड़ी बनी थी ना, आप यकीन कीजिए इतने मज़े की बनी थी ना, हम लोगों ने ये प्लेटें सब इतनी फाड़ फाड़ के ना हम लोगों ने ऐसे ही रुखी खाई।